प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने ब्लाउज को कट कर दिया। इसकी लेंथ मैंने 13.5 इंच रखा है। 3 इंच की गले की चौड़ाई पर मार्किंग कर लेते हैं और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देंगे। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया है। अब गले का लेंथ लेंगे, तो मैं गले का लेंथ जो है 10.5 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ से मार्क कर देंगे। अब मैं जितने मार्क की हूँ सबको एक स्ट्रेट लाइन में बराबर कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने बिल्कुल मार्किंग करते हुए बराबर कर लिया। अब 1.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे। तो कहाँ से मैंने मार्क किया वीडियो में देख लीजिए। अब यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट में देखिए 4.5 इंच की लंबाई में मैंने मार्किंग की है और बिल्कुल बराबर कर देंगे गले से। अब जहाँ से मैंने मार्किंग की है देखिए, मैं कट कर लेती हूँ सेम उसी जगह से। तो मैंने कटिंग कर दी है। अब इसी तरीके से मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, इसका भी सेम ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने ब्लाउज की भी कटिंग कर ली है कम्प्लीटली। अब चलिए मैं आपको दोनों को बराबर करके स्टिच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं गले को स्टिच करूँगी। तो पहले मैं गले को आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, मेरा गला स्टिच हो चुका है। अब मैं इस पर कट्स लगा लेती हूँ। जहाँ से भी कॉर्नर हो वहाँ से कट्स लगा लीजिएगा, फिर इसे हम सीधा करेंगे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया। अब इस पर एक सिलाई लगा के पूरा हम स्टिच कर देंगे गले को। तो देख लीजिए, गला स्टिच हो चुका है कम्प्लीटली। अब मैं ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग करूंगी अच्छे तरीके से, अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए। चलिए ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने पूरा ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर ली है। अब मैं आपको इस पे डिजाइन बना के दिखाती हूँ। तो इसको एक साइड कर लेंगे और ये मैंने बकरम लिया हुआ, इसको मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं ब्लाउज को जो अभी रखी हूँ एक साइड में, उसको इसके ऊपर हम बिल्कुल बराबर में रख देंगे गले के साइड से, को फोल्ड करके फिर मैं बराबर में रख के मार्क कर देती हूँ। तो इससे देखिए मेरे गले के बराबर मार्किंग आ चुकी है। अब इसको देखिए, मैं चौड़ी पट्टी एक ले लेती हूँ। तो कम से कम 1 इंच की लंबाई लीजिएगा पट्टी की। 1.5 इंच ले लीजिए स्टिचिंग में भी, जाइए स्टिचिंग का भी कपड़ा ले लीजिएगा इसमें बकरम का। अब मैंने ये पट्टी देखिए कट कर दी है। अब मैं इसी तरीके से अस्तर के कपड़े और ब्लाउज का कपड़ा भी सेम ऐसे ही कट कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, मेरा ब्लाउज का कपड़ा, मैंने गले में से जो कपड़ा निकला था उसको मैं डबल पार्ट में कट करके फिर यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों को स्टिच कर लिया बिल्कुल बराबर करते हुए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए, ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसके ऊपर हम बकरम को अच्छे तरीके से रख कर पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देख लीजिए, मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इस पर मुझे डिज़ाइन करना है। तो मैं पहले देखिए कपड़ा ली हूँ, इसका पट्टी का हम पतली सी डोरी बनाएंगे। तो चलिए, मैं पतली सी बिल्कुल गोल होनी चाहिए डोरी, क्योंकि इसलिए इतना कपड़ा रखिएगा साइड में कपड़ा कि अंदर के साइड कपड़ा जब उलट कर इसे सीधा करें तो हमारी डोरी जो बिल्कुल गोल में आए। अब इसको हम अच्छे तरीके से पूरा उलट कर सीधा कर देते हैं। ये देख लीजिए, मैंने डोरी सीधी कर ली है। अब मैं आपको डोरी की लेंथ दिखा देती हूँ, कितना आपको कट करना है। तो हम 1.5 इंच की लंबाई पे सभी डोरियों को कट करेंगे। तो मैं आपको साइज दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इंची टेप की सहायता से इसका साइज कर लेते हैं। मुझे 1.5 इंच की लंबाई पे डोरियों को कट करना है।
इसी लंबाई में हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे जितने डोरियां आ सके, डोरी जो मैंने बनाई है जितना पार्ट उसमें हो सके। इस तरीके से हम पूरा फोल्ड करके और कट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए पूरा डोरी कट कर लिया है। ये मैंने जो बकरम लगा के कपड़े को बनाया हुआ था डिज़ाइन करने के लिए उसको ले लिया है। अब इसके ऊपर हम डोरियों को देखिए गोल करते हुए बिल्कुल फोल्ड करेंगे और इसके बाद गज के तरीके से बनाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा कि मैं कैसे इसको बना रही हूँ। देखिए मैं सबको गोल करते हुए फिर इसके बाद इसको स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन को पे। इसी तरीके से आपको भी करना है। ये देख लीजिए, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और अगर आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन लेके आते रहेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने इस डिज़ाइन को पूरा बना के स्टिच कर दिया है। अब जो मैंने अस्तर का लिए बनाया था अस्तर का कपड़ा ज्वाइंट करके उसको ले लेंगे और इसके बाद इसको दूसरे साइड से जिसका स्मार्ट डिज़ाइन है उस साइड से हम स्टिच कर देंगे। तो जहाँ से मैंने कच को लगा के स्टिच किया सेम उसी जगह से हम अस्तर को भी स्टिच करेंगे। तो मैंने अस्तर को स्टिच कर लिया है। कट्स लगा लीजिएगा पूरा इसके ऊपर। मैंने कट्स लगा दिए। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ। ये सीधी देखिए बिल्कुल हो चुकी है। अब एक सिलाई लगाते हुए हम इसको पूरा स्टिच करेंगे। ये देख लीजिए मैंने डिज़ाइन के जो है बिल्कुल साइड में सिलाई लगाते हुए स्टिच कर दिया है। अब इसको मैं पूरा जितने साइड है सब साइड से मैंने देखिए सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लिया है कम्प्लीटली। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर जो है मोती लगाएंगे। अब तो मैं गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती ले ली हूँ और इस जो मैंने भी कज बनाया है इसके बीच में मोती को स्टिच करूँगी। तो कैसे मैं मोती को लगाऊंगी आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा मोती कैसे मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छा लगे और अगर मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मेरे इस चैनल पे पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और इसके बाद लाइक कर कीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी डिज़ाइनर ऐसे ब्लाउज और डिज़ाइनर ड्रेस लेके आती रहूँगी। तो देखिए मैंने इतना सारा जो है मोती लगा लिया है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और मोती दिखा देती हूँ लगा के। तो सेम ऐसे ही हम पूरा मोती लगा देंगे डिज़ाइन पे। तो देखिए मैंने पूरा डिज़ाइन पे जितना मैंने कज बनाया था सब पे मोती लगा ली है। अब इसको मुझे ब्लाउज के साथ में स्टिच करना है तो मैं ब्लाउज ले लेती हूँ। तो ये मैंने ब्लाउज ले लिया है। अब इसके दोनों साइड से पहले हम इसको डिज़ाइन को देखिए मैं दिखा देती हूँ। पहले मैं डिज़ाइन को रखती हूँ इसके ऊपर और अच्छे तरीके से पूरा जो है दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेते हैं। मैंने देखी डिज़ाइन को इस पर स्टिच कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो एक्स्ट्रा उसे कट करके निकाल दीजिएगा। अब डिज़ाइन के ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो कैसे लेस लगाया जाएगा वीडियो में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।
तो ये देख लीजिए मैंने पूरा लेस लगा दिया डिज़ाइन पे। अब मैं नीचे के साइड से दोनों साइड से पहले ट्रक्स लगा लेते हैं इसमें, फिर इसके बाद हम नीचे के साइड से फोल्ड करके यहाँ से भी डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। तो पहले देखिए मैं ट्रक्स लगा लेती हूँ, इसी तरीके से दूसरे साइड भी कर लेंगे। जैसे मैंने इस साइड से लगाया हुआ है, तो देख लीजिए मैंने दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रक्स लगा लिया है। अब जो हम अस्तर का कपड़ा ले लेते हैं, पतली सी अस्तर की पट्टी ले लीजिएगा, और इसके बाद हम डिज़ाइन के साथ में पहले सॉरी नीचे से पूरा इसको स्टिच पहले कर लेते हैं। अब मैंने देखिए इसको स्टिच कर लिया है, अब एक सिलाई लगा के पहले हम इसको बिल्कुल बराबर में कर देते हैं स्टिच करके। ये देख लीजिए मैंने बिल्कुल बराबर में इसे स्टिच कर लिया। यहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद एक सिलाई लगा के इसको पूरा हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए कम्प्लीटली नीचे के साइड से स्टिच हो चुका है। अब यहाँ से हम लेस लगा के इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं लेस लगा लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए लेस लगा के मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लाउज को स्टिच कर दिया है। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, और यहाँ से हम बटन लगा देंगे, ये बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं, कोई डिज़ाइन ड्रेस परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।